बाद में ये सोडा राजपूतों की रियासत बनी थी, लेकिन इसको पहले उमर सुमरो के नाम से जाना जाता था, इसीलिए इसका नाम उमरकोट भी है। तो भाइयों 1310 ईस्वी का वक्त था, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का राज था और अलाउद्दीन खिलजी ने सिंध की उमरकोट रियासत पर हमला कर दिया। तो भाइयों सिंध भी कभी इन्हीं जदुवंशी सम्मा राजपूतों की रियासत थी और सम्मा राजपूतों के ही वंशज आगे जडेजा राजपूत हैं जो अपने नाम के साथ जाम लिखते हैं और सम्मा राजा भी जाम लिखा करते थे जो बाद में कुछ कश की ओर आगे थे। तो भाइयों अलाउद्दीन खिलजी ने हमला कर दिया उमरकोट रियासत पर और उनको किसी ने बताया कि वहाँ पर महारानी बहुत खूबसूरत है, तो उसने वहाँ पर भी हमला किया था। अलाउद्दीन खिलजी का जब हमला हुआ तो उसके बाद जो 140 जो लड़कियाँ थी वो वहाँ से निकलकर पहुँच जाती हैं गुजरात कच्छ में, कच्छ में रियासत होती है नॉर्थ कच्छ में, जाम अवड़ा जी जडेजा जी की। तो भाइयों जाम अवड़ा जी जडेजा को जो अलाउद्दीन खिलजी है प्रस्ताव भेजता है कि उन लड़कियों को छोड़ दे, तू मेरे पास छोड़ा वो मेरी रखेल बनेगी, लेकिन उसने क्षत्रिय धर्म निभाते हुए उन्होंने कहा कि तू बिना लड़े इन लड़कियों को नहीं ले जा सकता। उस वक्त केवल जडेजा जी की सेना में 5000 राजपूत थे और अलाउद्दीन खिलजी की सेना में भाइयों 1.5 लाख लोगों को उन्होंने 5 हफ्ते तक रोके रखा। 5 हफ्ते तक ये युद्ध चला और उन्होंने अपने किले में उनको काबिज नहीं होने दिया, इतने बहादुर योद्धा थे। 70 दिन लड़े केवल 5000 सेना और अलाउद्दीन खिलजी की सेना 1.5 लाख। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब युद्ध करने आ रही थी तो वो रास्ता भूल गई थी, तो जडेजा जी के 2 सैनिक भेजे उसने और उनको बोला कि ये ले रास्ता इधर से आ। इसको उनकी बेवकूफ़ी कहें या जो भी कहें, लेकिन उन्होंने उन सोमरो भी राजपूत थे, परमारों की शाखा है। तो भाइयों जब सभी मारे गए, सभी शहीद हो गए, जब राजपूतों ने साका कर लिया तो जो लड़कियां थी, चाहे वो राजपूत थी या 140 से जो सोमरो मुस्लिम राजपूत लड़कियां थी, उन्होंने भी साथ में मुस्लिम लड़कियों ने भी जौहर किया था, वो सभी सती हो गई, जौहर कर लिया उन्होंने और क्षत्रियों ने साका कर लिया। आज भी उनका मंदिर देखा जा सकता है, उनकी मूर्ति देखा जा सकता है जिसको होली में पूजते भी हैं।